नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब गार्डनिंग चैनल बर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में, काफ़ी विस्तार में हम बात करेंगे अनार के पौधे की देखभाल के बारे में। कुछ ऐसी देखभाल की टिप्स जिनकी मदद से ज़्यादा फल आप अपने अनार के पौधे से ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए दर्शक हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, अनार के पौधे से ज़्यादा फल लेने की शुरुआत होती है अनार के पौधे की अच्छी वैरायटी सेलेक्ट करने से। तो जब भी आप अनार का पौधा लगाएं, आप ध्यान रखिए कि अच्छी वैरायटी का ही अनार का पौधा लीजिए। भगवा, गणेश, ज्योति, मृदुला, ये सब अच्छी वैरायटी है अनार के पौधे की। इन वैरायटी के पौधे अगर आप अपने गार्डन में लगाते हैं तो शुरुआत से ही आपका पौधा स्वस्थ रहता है और बाद में ज़्यादा से ज़्यादा फल भी आपको देगा। तो अच्छी वैरायटी सेलेक्ट कीजिए और अच्छी वैरायटी का अनार का पौधा लगाइए। नर्सरी से परचेज कर रहे हैं तो वैरायटी के बारे में ज़रूर पता कीजिए। दोस्तों, दूसरी केयर टिप जुड़ी हुई है खाद को लेकर। हमारे को काफ़ी सारे संशय हो सकते हैं कि अनार के पौधे में खाद कब और कैसे दें। तो मैं आपको बता दूं कि अनार के पौधे को पूरे साल भर में 10 किलोग्राम ऑर्गेनिक खाद जो होती है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, इस तरह की खाद जरूर दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके हर महीने आपको खाद देनी है। पूरी 10 किलो खाद एक बार में नहीं देनी है। सर्दियों के महीने दिसंबर और जनवरी और गर्मियों के महीने मई और जून, इन महीनों के अंदर आपको जो है खाद नहीं देनी है पौधे को, वरना उल्टा असर आपके पौधों की सेहत पर हो सकता है। और इसके अलावा जितने भी महीने बचे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके आप ऑर्गेनिक खाद दीजिए अपने पौधे को, चाहे तो कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो या गोबर की खाद हो। इससे आपका पौधा स्वस्थ बना रहता है और रोग का अटैक भी आपके पौधे पर कम से कम होता है। एक और दोस्तों, मैं आपके साथ में ज़रूरी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अनार के पौधे का जो फूल लगने का समय है उससे एक महीने पहले आप कोशिश कीजिए कि पानी जो है देना अपने पौधे को कम कर दें। कम पानी की मात्रा अगर आपके पौधे को फूल के समय से पहले मिलती है एक महीने, तो आपके पौधे के अंदर फूल की मात्रा अधिक से अधिक आती है और उन फूलों से ज़्यादा फल आपके पौधे में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर आपके पौधे के अंदर फूल गिरने की समस्या है या फल झड़ने की समस्या है, तो आप अपने पौधे को अच्छी क्वालिटी का सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र समुद्री शैवाल के सत्व से बनता है और इसे आप ऑनलाइन भी घर बैठे परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर अच्छी क्वालिटी का सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र खरीद लीजिए और अपने पौधे को फूल लगने से पहले और फल लगने के बाद में एक बार सीवीड एक्सट्रैक्ट फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। इससे आपके फूल और फल झड़ने की समस्या का खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए दर्शक हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए और लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।